आज टुडे आवर टॉपिक इज डी बाय हैकल थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। थोड़ा सा प्रीवियस इंट्रोडक्शन देते हैं कि हम स्टडी कर चुके हैं कि आपके पास इक्वेलेंट कंडक्टेंस जो होती है और मोलर कंडक्टेंस डाइल्यूशन के साथ साथ उसकी कंडक्टेंस जो होती है वो इंक्रीज कर रही होती है। ठीक है, जो चाहे कोई भी आपके पास सोल्यूशन हो, इलेक्ट्रोलाइट हो, वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, हम ये पढ़ चुके हैं कि इक्वेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज करती है डाइल्यूशन जो है इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। उसकी क्या वजह थी? डाइल्यूशन का मतलब होता है कि आप सॉल्यूशन के अंदर अमाउंट जो है वो उतनी ही है, आप उसके अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा करते जा रहे हैं। ठीक है, अब वो डाइल्यूशन में क्या कहता है कि आपने कोई भी सॉल्यूशन लिया था, फॉर एग्जांपल स्टार्ट में उसका जो वॉल्यूम था वो इतना था, यानी आपने जो भी अमाउंट ली उसे 500 ml में डिजोल्व किया। अब उस सॉल्यूशन के अंदर मैंने 500 ml और डाल दिया सॉल्वेंट, इसका मतलब वो सॉल्यूशन डाइल्यूट हो गया। इस तरह इस सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट करते जाते हैं। वो कहते हैं आपके पास, चाहे आपके पास इक्वेलेंट हो या मोलर कंडक्टेंस हो, इलेक्ट्रोलाइट की हमेशा वो डाइल्यूशन पे इंक्रीज करती है। अब इसकी एग्जांपल अगर हमें देखनी हो क्या वजह बनती है, इसको एलेबोरेट क्या किया जाए कि इसे हमें इंफॉर्मेशन मिले कि इसकी क्या रीज़न है इंक्रीज़ करने की, तो उसकी सिर्फ ये रीज़न है इंक्रीज़ करने की कि जो इलेक्ट्रोलाइट अगर स्ट्रॉन्ग है, हम पढ़ चुके हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो कम्प्लीटली अपने पार्ट्स में डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे हैं HCl, HCl जब आयनाइज होगा अपने पार्ट्स में, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में डिसोसिएट होगा, वो जाता है H+ और Cl- में। इट इज़ कम्प्लीटली डिसोसिएटेबल। आपको पता है इसके साथ हम एक सिंगल हेडेड एरो शो करते हैं, उसका मतलब ये होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं अपने अपने आयंस में। तो उस केस में हमारे पास क्या वजह बनती है कि इसकी कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज़ करती है, हालांकि इसके नंबर ऑफ आयंस तो इंक्रीज़ नहीं करेंगे ना। देखो, जब एक दफ़ा इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास की, आपने उसमें से आयंस को जो बने हैं वो जितना आपने स्टार्ट लिया उतने आयंस उसके बन गए जितने बनने थे। उसके बाद इसके पास कोई चांस नहीं होता कि आयन की तादाद ज़्यादा हो सके। ठीक है, अब ये तो नहीं है ना अगर इसकी अमाउंट सपोज 0.1 थी, जब आयन डिसोसिएट हुए वो 0.2 हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जितना स्टार्ट में था उतने आयन इसके डिसोसिएट हो गए, लेकिन फिर भी इसकी कंडक्टेंस विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आप डाइल्यूशन करते जाते हो तो ये इंक्रीज़ करती है। इसका कोई रीज़न जस्टिफिकेशन हमारे पास प्रॉपर नहीं थी, जबकि हम ये पहले से ये हमने आइडिया ये था मोलर या इक्वेलेंट कंडक्टेंस में जब इन्फिनिट डाइल्यूशन की बात की थी उसमें हमने ये कहा था कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनमें आयंस की नंबर ऑफ चार्जेस की तादाद नहीं बढ़ती बल्कि उनके दरमियान का फासला बढ़ जाता है। ठीक है, ये हम चीज़ पढ़ चुके हैं। इसके ऑपोजिट जो है हमारे पास होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कम्प्लीटली आयनाइज या डिसोसिएट नहीं होते अपॉन इलेक्ट्रोलिसिस, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड है। तो जब हम उन रिएक्शंस को लिखते हैं तो आपको पता होगा कि हम उसमें जो एरो यूज़ करते हैं वो कौन सा करते हैं, हम उसे कहते हैं कि ये रिवर्सिबल एरोस भी आपके पास आ रहे हैं, यानी कि इट नॉट कम्प्लीटली डिसोसिएट। ठीक है, जब भी कम्प्लीटली डिसोसिएट ही नहीं है हमारे पास तो हम ये कह देते हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट कि उनकी भी कंडक्टेंस बढ़ती है। तो उसकी रीज़न ये है, और इस रीज़न को एक्सप्लेन किया था आर्हेनियस थ्योरी ने। उसने ये कहा था कि जब डाइल्यूशन बढ़ती है उसका मतलब ये होता है कि एक तो फासला तो उनमें आ ही रहा है इतना आना है, लेकिन उनके पास एक रास्ता और मिल जाता है आयंस को अपने आप को तोड़ने का। ठीक है, डाइल्यूशन की वजह से जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो ज़्यादा अपने आयंस बनाने लगते हैं। पहले जो आयंस 500 में वो डिसोसिएट होकर दे रहा था, हो सकता है आप ज़्यादा उसकी अमाउंट सॉल्वेंट की कर लो, वाटर को ज़्यादा एरिया मिल जाए उसको ट्रैप करने के लिए, उसको खींचने के लिए या उसे अपने साथ लगाने के लिए, और वो आयंस में डिसोसिएट होना शुरू हो जाए। तो इसका मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो तो डिसोसिएट इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पे उसके नंबर ऑफ चार्जेस जो हैं डिसोसिएशन आयंस की वो इंक्रीज़ कर जाते हैं। ठीक है, और इस थ्योरी को इसने एक्सप्लेन किया था आर्हेनियस थ्योरी ने। तो इसके अकॉर्डिंग वीक की तो हमें फिर भी समझ आ जाती है कि आपके पास इक्वेलेंट कंडक्टेंस क्यों बढ़ रही है, मोलर क्यों बढ़ रही है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की थोड़ी सी रीज़न समझ नहीं आती कि आयंस तो बढ़ते नहीं हैं। और हम कहते हैं कि जब फ्लो ऑफ चार्जेस हो रहा था तब करंट की कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज़ करती है, यानी अमाउंट ऑफ करंट तब बढ़ता है जब उसके नंबर ऑफ चार्जेस इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। हम इलेक्ट्रोलिसिस में तो यही बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे ज़रा उल्ट हो जाता है कि चार्जेस तो बढ़ नहीं रहे हैं, अलबत्ता इनमें डिस्टेंस ज़रूर बढ़ रहा होता है। तो इस चीज़ को वेरीफाई किया गया या एक्सप्लेन किया गया डी बाय हकल थ्योरी। इसलिए इसे कहते हैं कि जो हकल थ्योरी है, डी बाय हकल थ्योरी, ये फॉर एग्जाम्पल आपके पास है फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, अब इस थ्योरी में आपके पास क्या आते हैं, कुछ फैक्टर्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टेंस इंक्रीमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वो फैक्टर्स जो आपके पास बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सबसे पहला फैक्टर जिसका नाम है रिलैक्सेशन इफेक्ट और एसिमेट्रिक इफेक्ट। ठीक है, दूसरा है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, या है आपके पास तीसरा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम। दीज थ्री फैक्टर्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द
इंक्रीज इन कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वेन एवर यू आर गोइंग टू डेल्यूट इट. जब भी आप उसे डेल्यूशन की तरफ लेके जाओगे, या डेल्यूशन भी वो जब इन्फिनिट पे चले जाते हैं, इन्फिनिट डेल्यूशन का मतलब होता है मैक्सिमम आपके पास वो चीज़ आती है जिस पर आप उसे कंडक्ट कर लेते हो. यानी डेल्यूशन पे ये हो कि आपको ऐसा महसूस हो कि कंसंट्रेशन इसमें कोई नहीं थी, यानी जितनी मैक्सिमम का पॉइंट चला गया. तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये फैक्टर्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके पास. ठीक है, अब ये जो तीनों फैक्टर्स हैं ये बेसिकली रिलेट ही डिस्टेंस के साथ ही कर रहे हैं. मॉलिक्यूल्स जो आपके पास कंपाउंड आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है उसकी डिस्टेंस से रिलेटेड ही ये सारे पॉइंट्स हैं आपके पास. तो हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं. सबसे पहले है रिलैक्सेशन इफेक्ट और एसिमेट्रिक इफेक्ट. ये दोनों नाम जो है आपके पास, दोनों नाम की अलग से डेफिनेशन पेपर में पूछ सकते हैं. रिलैक्सेशन का मतलब नाम से क्या लग रहा है, कोई आपके पास थोड़ा सा आपके पास रिलैक्सेशन फील होगी आपको यहाँ पे. कोई चीज़ जो भी सिस्टम हमारा प्रोसीड हो रहा होगा ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ पे थोड़ी सी रिलैक्सेशन आ रही होती है. एक है इसका नाम एसिमेट्रिक इफेक्ट, जिसका मतलब होता है आप एसिमेट्रिक होता है ना, जो चीज़ बराबर हो हर तरफ से. फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा कि मैं कार्बन मेथेन ले लेती हूँ, मैं कहती हूँ कार्बन जो है ना आपके पास, अगर इसके चारों तरफ हाइड्रोजन लगा हो तो ये सिमेट्रिक है. यानी चारों तरफ क्या है, सेम चीज़ अटैच है, तो मैं ऐसे कहती हूँ ये सिमेट्रिक है. अगर मैं कहती हूँ इसकी एक तरफ Cl लगा हुआ है, एक तरफ H लगा हुआ है, यानी आपके पास क्या हो, आइटम्स चेंज हो जाएँ, एक तरफ Cl आ गया, एक तरफ आयोडीन लग गया, अगर ये वेरिएशन आ जाए तो मैं ये कहती हूँ कि ये सिमेट्रिक नहीं रही, चीज़ एसिमेट्रिक हो गई. ठीक है, तो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में ये फ़र्क होता है. सो अब वन बाय वन हम देखते हैं कि इसमें क्या टर्म्स जो हम यूज़ करेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि क्या फिनोमेना फॉलो करते हैं, किस टाइम पे जाके हम इसे रिलैक्सेशन इफेक्ट कहेंगे, या कौन सा फैक्टर जो डोमिनेट कर रहा होता है जिसे वो जिससे हम इसे एसिमेट्रिक इफेक्ट कहते हैं. सबसे पहले तो आपको ये पता है कि इलेक्ट्रोलाइट जब डिसोसिएट होते हैं तो आपके पास हर इलेक्ट्रोलाइट कोई भी स्पीशीज होती है वो डिसोसिएट होकर दो चीज़ों में जाती है, पॉजिटिव और नेगेटिव में. ठीक है, हमारे पास दो चीज़ों में जाती है. इलेक्ट्रोलाइट जब भी डिसोसिएट होता है पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीशी में होता है. अब ये आपके पास जब डिसोसिएशन हो रही होती है तो आपको पता है जब डिसोसिएशन होती है, या कोई भी हम लिक्विड ले लें, फॉर एग्जांपल आपके पास HCl था या NaCl था, उसमें क्या था आपके पास प्लस चार्ज आया, एक आया आपके पास नेगेटिव, ऐसे ही होता है. अब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स में भी तो कोई ना कोई चार्जेस मौजूद होते हैं ना. ठीक है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, अब जब पॉजिटिव चार्ज आता है, अगर आपको याद हो आपने सॉलिबिलिटी में एक रूल पढ़ा हुआ था, जब चीज़ किसी चीज़ में सॉलिबल होने की कोशिश करती है तो उसका मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ आप डालोगे वो अपने पहले आयंस में पार्ट्स में डिवाइड होती है, और जो भी सॉल्वेंट आपके पास मौजूद होता है वो अपने पॉजिटिव चीज़ को नेगेटिव की तरफ ले जाता है और नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव की तरफ ले आता है. फॉर एग्जांपल अगर ये वाटर है इसके अर्गिर्द, तो आप देखो अगर ये पॉजिटिव स्पीशी है तो इसके सारे अर्गिर्द कौन से चार्ज मौजूद होंगे, नेगेटिव. इसके पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज मौजूद होगा. ठीक है, अपना आयनिक एटमॉस्फेयर बना लेगा, पॉजिटिव को नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, और जो नेगेटिव आयन आपके पास जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक स्पीशी का है वो अपने गेट किस को ले आएगा, पॉजिटिव चीज़ को ले आएगा. ठीक है, इसका मतलब ये है कि हर आयन आपके पास क्या करेगा, एक आयनिक एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा. ठीक है, और जो सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल का मतलब यहाँ पे यही है कि सराउंडिंग में ये नहीं होगा एक पॉजिटिव के साथ दूसरा पॉजिटिव जुड़ा हुआ होगा, नहीं, पॉजिटिव के सराउंडिंग में सारे नेगेटिव होंगे और उसके चारों तरफ एक जैसा एटमॉस्फेयर होगा, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज सिमेट्रिकल. ठीक है, अब सिमेट्रिकल होगा, अब वो कहता है कि जब आप अभी इसमें से करंट पास सब करते हो इस सोल्यूशन में से, ठीक है, जब आपने करंट पास किया, अब जब करंट पास करोगे उसी वक्त फ़ौरन से, अब ये जो हम फिनोमेना पढ़ रहे हैं ये तो आपको एलैबोरेट करने के लिए आपको फील हो रहा है कि पहले इलेक्ट्रोलाइट डाला, जब करंट उसमें से पास किया तो फ़ौरन से क्या वो अपने आयंस में डिसोसिएट होता है, उस डिसोसिएशन के दौरान ही उसके सराउंडिंग में एक एटमोसफेयर आ जाता है. ठीक है, अब जो करंट इसमें से हमने पास किया सोल्यूशन में से, तो ये जो आयनिक एटमोसफेयर है इसका बनता, ये टूट जाता है फ़ौरन से. वजह इसकी क्या है, हो सकते हैं आपने इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, आपने इलेक्ट्रोड लगाए हुए हों. ठीक है, यहाँ आप ये को जिस वो बैटरी का टर्मिनल पॉजिटिव साइड से जुड़ा है उसे हम पॉजिटिव कह दें, जिसका नेगेटिव से जुड़ा है वो नेगेटिव कह दें, कैथोड एनोड मौजूद हो. तो जब आप इसमें से करंट पास करते हो, ये फिनोमेना जो भी सारा है ये फ़ौरन से आपके पास हो रहा होता है. ठीक है, यानी आपने एक स्पीशी लिया सोडियम क्लोराइड, उसे सॉल्वेंट में डाला, ठीक है, सॉल्वेंट में डाला, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया, आपने उसमें से करंट पास किया, करंट की वजह से क्या हुआ, आपके पास आयंस डिसोसिएट हुए, उनका फ़ौरन से आयनिक सराउंडिंग एटमॉस्फेयर बना. लेकिन करंट पास करने से इलेक्ट्रोड भी जो यहाँ मौजूद थे वो क्या करेंगे, इन चार्जेस को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे. ठीक है, अब वो क्या करेगा, चार्जेस कौन से खींचेगा, सॉल्वेंट के नहीं, वो आपके खींचेगा इलेक्ट्रोलाइटिक स्पीशी के. और इलेक्ट्रोलाइटिक स्पीशी आपके पास कौन सी है, यहाँ पे
ये नेग ग्रीन, ये जो ग्रीन कलर से आपको नजर आ रहा है अभी, दिस इज द नेगेटिव एंड दिस इज द पॉजिटिव, दीज आर द स्पीशी विच इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉड. अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा कि अपनी तरफ किसको खींचेगा, इस पॉजिटिव वाले को, ऐसा ही है ना, ये भी नेगेटिव है. अब इसका जो आयनिक एटमोसफेयर मौजूद है, ये भी क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा. अब ये दोनों चीज़ें इसको अपनी तरफ पुल करेंगी, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड इस चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, ऑपोजिट चार्ज की तरफ मूव करने. अब ड्यूरिंग इसकी मूवमेंट के ये डिस्टर्बेंस यहाँ पे आ जाएगी, ऐसा ही होगा ना, यानी जो चीज़ पहले इसने सिमेट्रिकली अपने इर्द गिर्द रखी हुई थी वो एटमोसफेयर डिस्टर्ब होगा, क्योंकि इसने निकल के इस इलेक्ट्रोड की तरफ जाना है. अब इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ टाइम के लिए आपकी सिमेट्रिकल या सिमेट्री जो होती है वो डिस्टर्ब होती है. अब सिमेट्री जब डिस्टर्ब होती है आपके पास, आयनिक एटमोसफेयर ख़त्म होता है, तो ये जो प्रोसेस होते हैं कि इधर से टूटना और फौरन से उसकी तरफ जाना, इन दोनों चीज़ों के दौरान कुछ टाइम का गैप आता है. डेट मीन्स जब इलेक्ट्रोड आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में जो आयन है, ऑपोजिट के चार्ज आयन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो क्योंकि यहाँ पे और भी पार्टिकल्स मौजूद हैं जो उसको अपनी तरफ पुल करते हैं, अब इसकी फोर्स अगर डोमिनेट कर रही है अपनी तरफ खींचने के लिए, तो इसका जो एटमोस्फेरिक है आपके पास सराउंडिंग है इस पॉजिटिव चार्ज की, वो ब्रेक करेगी, ठीक है. अब उसके ब्रेक करने में और इसके वहाँ तक जाने में थोड़ा सा टाइम का गैप आता है, जिसको हम कह देते हैं रिलैक्सेशन टाइम, जिसकी वजह से हम ये कह देते हैं कि इसे रिलैक्सेशन इफेक्ट यहाँ पे फील होता है. अब रिलैक्सेशन इफेक्ट क्या है, क्योंकि एक दफ़ा तो ये अपना ओल्ड सराउंडिंग तोड़ेगा ताकि वो इसके करीब पहुँच जाए, और जब इसके पास जाएगा तो उस दौरान ये क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, रिटार्ड करेंगे ना, इसका मतलब वहाँ पे पुराना सिस्टम ब्रेक हो रहा है और नया सिस्टम बन रहा है. क्योंकि जब इसकी सराउंडिंग में सारे ब्लू कलर के जो नेगेटिव चार्जेस मौजूद थे, उस टाइम इलेक्ट्रोड ने इसको अपनी तरफ पुल नहीं किया था, लेकिन जैसे इलेक्ट्रोड ने इसे पुल किया, तो वो कोशिश करेगा इसकी सराउंडिंग में जितने भी एटमोस्फेरिक चार्जेस मौजूद हैं उसके ऑपोजिटली, वो ब्रेक करे उसको और उसका नया एटमोसफेयर बनाने की कोशिश करे और उसको अपनी तरफ पुल कर ले. तो यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है, इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट एसोसिएट इन सोल्यूशन टू गिव पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस, ईच आयन इज सराउंडेड बाय एन आयनिक एटमोसफेयर ऑफ ऑपोजिट चार्ज, हर आयन अपने ऑपोजिट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी सराउंडिंग में रखता है. ये आयनिक एटमोसफेयर जो होता है टिपिकल सिमेट्रिकल होता है, यानी चारों तरफ से एक जैसा फील होता है, ठीक है. When a current is passed through the solution, जब solution से current गुजरता है, the center of ion of the ionic atmosphere moves towards the oppositely charged electrode. ठीक है, that means जो आपके पास ions बने हैं वो electrode की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे. अब इसकी वजह से क्या होता है, इस movement की वजह से आपके पास क्या होता है, आपके पास पुराना atmosphere ख़त्म होने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने pull करना है उसकी तरफ. अब इसकी पुलिंग में आपको वो कह रहा है कि एट द सेम टाइम ओल्ड आयनिक एटमोसफेयर डाइज आउट. ओल्ड एटमोसफेयर वो है जब करंट पास नहीं किया गया, ठीक है, जब करंट पास नहीं किया गया तो ओल्ड एटमोसफेयर उसका वैसे का वैसे पड़ रहेगा, जैसे ही करंट उसको मिला इलेक्ट्रोलाइट अपने आप को मूव करेगा इलेक्ट्रोड की तरफ, तो पुराना माहौल अपने ख़त्म करके नया सेटअप अपने पास ले जाएगा. और इन दोनों प्रोसेसिस को करने के लिए कभी भी साइमल्टेनियसली वर्किंग नहीं होती, देर इज सम टाइम लैग, कुछ वक्फा आता है टाइम का, जिसे हम कह देते हैं द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन. इस टाइम के दौरान नई जो एटमोसफेयर बन रहा होता है, यानी इलेक्ट्रोड की वजह से जो इफेक्ट आ रहा होता है वो, और जो पीछे आयंस पुराने माहौल के मौजूद हैं वो एक दूसरे की तरफ खींचते हैं और उसकी मोशन को, उसकी मूवमेंट को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है. तो ये आपको यहाँ बताना चाह रहा है. ये अब आप नीचे पिक्चर देख लें अपनी बुक में, ये उसने एग्जाम्पल दी हुई है कि जब आपने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लिया, उसको पानी में डाला, तो कोई भी सोडियम क्लोराइड पकड़ लो, आयनिक कंपाउंड ही ले लो, आपने उसे पानी में डाला, फ़ौरन से अपने आयंस में चला जाता है, क्योंकि उसने अपने आप को सोलबलाइज करने की कोशिश करनी होती है. सोलबलाइज करने की कोशिश करनी होती है, डाइजोल्यूशन का प्रोसेस होता है, पानी के नेगेटिव एंड्स होते हैं पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेंगे, ये एक स्फेरिकल एटमोसफेयर बन जाएगा. लेकिन जैसे ही आप करंट पास करते हो, करंट पास करने का मतलब ये है कि उसको सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देते हो, एक कॉर्नर को उसने पॉजिटिव, एक को नेगेटिव कह दिया, दैट मीन्स देयर इज सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड प्लेसिंग इन द सोल्यूशन, या किसी भी तरीके से आपने इसे चार्ज प्रोवाइड किया है. उस दौरान ये पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा, टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड. अब जब नेगेटिव इसको अपनी तरफ पुल करेगा, तो इसका अपना पुराना माहौल देखो किस तरह डिस्टर्ब हो गया, रप्चर हो गया ना, स्ट्रक्चर सारा ख़राब हो गया. तो इस दौरान इसमें जो थोड़ा सा गैप आता है कि पुराना एटमोसफेयर ख़त्म हो और नया बने, उसको हम कह देते हैं रिलैक्सेशन अफेक्ट या रिलैक्सेशन टाइम.
इसलिए इस फिनोमेना को हम रिलैक्सेशन इफेक्ट भी कहते हैं। लेकिन आपको एक नाम और भी ऊपर लिखा हुआ था, एसिमेट्रिक, ठीक है। अब एसिमेट्रिक का वर्ड जो यूज़ किया गया है, मैंने आपको पहले बताया कि एसिमेट्रिक का मतलब है तो इसके चारों तरफ सेम एटमोसफेयर मौजूद ना हो, ठीक है। अब हम जब ये कहते हैं कि जब सेंट्रल आयन मूव करता है, दिस इज द सेंट्रल आयन, यानी आप ये कह सकते हो जो भी आपका इलेक्ट्रोलाइट या कोई भी कंपाउंड जो आपने लिया है जो डिसोसिएट हो रहा है अपने आयन्स में, फॉर एग्जांपल ये अगर प्लस चार्ज है तो ये सेंटर में मौजूद है, यानी जो भी सेंट्रल आयन है उस स्फेरिकल एटमोसफेयर का अगर जब वो मूव करता है टुवर्ड्स देयर ऑपोजिट इलेक्ट्रोड जहाँ पे उसने अपने आप को अटैच करना है, उस दौरान इसका जो एटमॉस्फेयर है वो ख़राब होता है, वो सिमेट्री नहीं रहती, बैलेंस नहीं एक रहता, चारों तरफ एक जैसी हाइट पे एक जैसे फासले पे आयंस नहीं मौजूद, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये जो डिस्टर्बेंस होती है उसे हम कह देते हैं कि सिमेट्री जो है वो लॉस्ट हो गई, ठीक है। व्हेन द सेंट्रल आयन मूव्स द सिमेट्री इज लॉस्ट बाय द आयनिक एटमॉस्फेयर, मोर आयंस ऑफ द आयनिक एटमोसफेयर आर लेफ्ट बिहाइंड देन द आर प्रेजेंट इन द फ्रंट। वट डज इट मीन, वो कहते हैं जब ये प्लस चार्ज मूव करता हुआ कहाँ जा रहा है, टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोड या कोई भी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जिसकी वजह से चार्ज डिवेलप हुआ है, जब पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा तो जो पुराना एटमोसफेयर था वो चार्जेस ज़्यादा तादाद में पीछे रह गए। अब देखो यहाँ पर कितने पीछे चार्जेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब इसके आगे तो कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है, देयर इज अ गैप, फौरन से जाके अटैच होगा, तो इसका मतलब यह सिमेट्री लॉस्ट हो गई, पीछे ज़्यादा चार्जेस पड़े हुए आगे की बनिस्पत, ठीक है। तो ये जो आपके पास एक्सेस आती है, बैक साइड पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हों और फ्रंट पे कम हों, तो उसकी वजह से आपको मैंने भी पहले कहा था कि जो पुराना एटमॉस्फेयर है वो भी उसे खींचने की कोशिश करता है कि हमारे पास चीज़ें आगे जाने की उसे ज़रूरत नहीं है। तो ये जो अफेक्ट क्रिएट होता है जिसमें सिमेट्री लॉस्ट हो रही होती है उसको हम कह देते हैं बिकॉज ऑफ एसिमेट्री, ठीक है। यानी एसिमेट्री क्रिएट करने का मतलब ये है कि बैलेंस ना होना चार्जेस का आपके सराउंडिंग में, चाहे सारे नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं उसके सराउंडिंग में पर उनका एटमॉस्फेयर तो डिस्टर्ब हो गया ना स्फेरिकल से, एक सर्कल में उसने सराउंडिंग किया हुआ था उसको, तो इसलिए इस इफेक्ट को भी एसिमेट्रिक इफेक्ट कर देते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न के वाई कंडक्टर्स इंक्रीजेस, ठीक है। अब एक ये रीज़न हो गया, दूसरा है इलेक्ट्रोफोरेटिक अफेक्ट। इलेक्ट्रोफोरेटिक अफेक्ट बेसिकली क्या होता है, आपके पास यहाँ पे भी आप इलेक्ट्रिसिटी का अफेक्ट बेसिकली आप चेक कर रहे होते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक टर्म हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हमने पहले भी पढ़ी थी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाने के लिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जंप करके मूव करवा रहे होते हैं उस दौरान जितनी एनर्जी आपको यहाँ सप्लाई करनी पड़ती है उसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कह देते हैं, ठीक है। अब हम ये बात कैसे करेंगे कि ये अभी पिक्चर वही वाली आ गई कि अभी हमने पढ़ा क्या था ऊपर कि सेंट्रल मेटल आयन जब मूव करता है किसी भी डायरेक्शन में ऑपोजिटली चार्ज आयन के, तो पुराना एटमोसफेयर जो होता है वो बैक साइड पर चला जाता है और इस एटमॉस्फेयर के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये ट्रैवल करने की कोशिश करता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, अब इसका मतलब ये है कि जब आपके पास इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की तो एक पॉजिटिव चीज़ भी तो यहाँ पे मौजूद है ना, ठीक है, और एक नेगेटिव चीज़ भी मौजूद है। अब वो कहता है कि आपके पास क्या होता है, जो ऑपोजिटली चार्ज आइंस होते हैं आयनिक एटमोसफेयर की वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, जबकि अभी हमने ऊपर ये कहा था हम सिर्फ फोकस कर रहे थे सेंट्रल मेटल एटम के, यानी हम इस मेटल एटम को या आप ये कह सकते हो आपके पास जो भी आयनिक स्पीशी है हम उसको कंसिडर कर रहे थे, ठीक है, हम सॉल्वेंट को नहीं ले रहे थे, हम सिर्फ ये कह रहे थे जो भी पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल में मौजूद है वो अपने ऑपोजिट चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा और उस अट्रैक्शन के दौरान जो उसका पुराना सेटअप था पुराना माहौल था वो डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्बेंस की वजह से एसिमेट्रिक इफेक्ट आता है और दूसरा यहाँ पर थोड़ी सी रिलैक्सेशन आती है, ठीक है। अब यहाँ पे वो कहता है कि जब ये आगे की तरफ मूव करता है तो इसका जो पूरा आयनिक एटमॉस्फेयर जो सी कलर में आपको नज़र सी नज़र आ रहा है एक तरह का चार्ज इससे बढ़ा हुआ, ये कहता है कि अगर ये उस तरफ जा रहा है तो इसको सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को भी कोशिश करते हैं कि दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाए, ठीक है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर आल्सो देयर इन आयनिक एटमॉस्फेयर, इट मींस दैट सेंट्रल एटम आयन इज मूविंग अगेंस्ट द स्ट्रीम। इसका मतलब ये बेचारा एक इकलौता पॉजिटिव चार्ज इतने बड़े समंदर नेगेटिव चार्जेस के कोशिश कर रहा है, स्ट्राइव कर रहा है उधर तक पहुंचने के लिए, इसको ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, क्योंकि ये अपनी तरफ बहुत, क्योंकि ये अकेला एक पॉजिटिव चार्ज है और ये बहुत सारे नेगेटिव चार्ज हैं, तो इसका मतलब जहाँ पर मेजोरिटी होगी उस तरफ फ्लो खींचने की ज़्यादा पावर होगी, तो ये पीछे की तरफ पुल करने की कोशिश करेंगे इसको, लेकिन ये अपनी पूरी ताकत लगा के आगे की तरफ मूव करता है, तो जो रिटार्डेशन आती है इसको हम इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेंट्रल मेटल आयंस मूव्स इन वन डायरेक्शन एंड द ऑपोजिट चार्ज आयन इन देयर आयनिक एटमॉस्फेयर मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, यानी पॉजिटिव अगर नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं
तो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे होंगे, ठीक है। अब वो कहते हैं कि सॉल्वेंट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दियर आयनिक एटमोसफेयर, इट मीन्स दैट सेंट्रल आयन मूविंग अगेंस्ट द स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या स्ट्रीम ऑफ चार्जेस, तो इसकी मोशन को रिटार्ड किया जाता है। इस इफेक्ट को हम कह देते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्जेस, आप समझ लो चार्जेस की वजह से जो इफेक्ट आ रहा है। अच्छा जी, दूसरा आपके पास क्या आता है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम। मीडियम मतलब आपके पास जो जिस तरह का आप सॉल्यूशन को मीडियम प्रोवाइड कर रहे हो वो क्या अफेक्ट करता है, वो भी बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करने में। वेन एवर द आयन विद इट्स आयनिक एटमोसफेयर ट्रेवल इन द सोल्यूशन, यानी ये आप पर पिक्चर नजर आ रही है, अगर ये आयन जो है अपने आयनिक एटमोसफेयर के साथ ट्रेवल करता है, द मीडियम ऑफ द सोल्यूशन ऑफर द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब अब जब वो ट्रैवलिंग करेगा तो ज़रूरी तो नहीं एक ही पॉजिटिव चार्ज हो या यही सिर्फ नेगेटिव चार्जेस हो, जो सॉल्यूशन में दूसरे चार्जेस भी पड़े हुए हैं जो जिनके साथ अटैच नहीं हुआ, जो सराउंडिंग में इसके साथ शामिल नहीं हुए थे, सॉल्यूशन में तो बहुत सारा कुछ पड़ा हुआ है ना, तो ये उसके रास्ते में रुकावट भी पैदा करते हैं, ठीक है। रुकावट से मुराद रेजिस्ट करते हैं, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस का मतलब होता है रगड़ खाते हैं उसके साथ, तो जितनी ताकत लगा के उसने आगे पहुँचना है वो उतनी ताकत से नहीं पहुँच पाता। ये जो आपके पास फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होती है ये डिपेंड करती है आपका सॉल्वेंट या आपका जो मीडियम आप प्रोवाइड कर रहे हो उसकी विस्कोसिटी क्या है, क्योंकि विस्कोसिटी में हमने ये पढ़ा हुआ है कि जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होती है सॉल्यूशन की या किसी भी कंपाउंड की विस्कोसिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब उसकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, तो उसमें आपके पास जो फ्लो ऑफ रेट होगा वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये उस पर डिपेंड कर रहा होता है। इसी चीज़ को जो थ्योरी ऊपर एक्सप्लेन की गई, डीबाय और हक्कल दो साइंटिस्ट जिन्होंने पेश की थी, इन थ्री फैक्टर्स को कंसिडर करके उसने कहा ये तो थ्रेटिकल बातें हमने सारी कर ली, अब कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी होना चाहिए। 1923 में उसने एक एक्सप्रेशन हमें दिया था जिसने कहा था कि हम एक रिलेशनशिप डिवेलप कर रहे हैं इक्वेलेंट कंडक्टेंस का विद कंसनट्रेशन, ठीक है। और उस इक्वेशन को फर्दर दूसरे एक साइंटिस्ट ने ऑन सेगर था इन 1926, उसने इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर दिया। अब वो जो इक्वेशन मॉडिफाई हुई थी वो थी डी बाय हक्कल ऑन सेगर इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन आपके पास उसने कहा था कुछ यूनिवेलेंट आयन है, यूनिवेलेंट का मतलब है जो पॉजिटिव नेगेटिव यानी सिंगल सिंगल चार्जेस प्लस वन वैलेंसी के जो होते हैं, उसने कहा था कि ये उनके लिए आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या है, यूनिवेलेंट चार्जेस के लिए दिस इज द कंडक्टेंस, अगर इक्वेलेंट ले रहे हो तो इक्वेलेंट है, मोलर ले रहे हो तो मोलेंट है, इक्वेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू द कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, ठीक है, माइनस 82.4 आवर डी टी, डी टी इज द डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम, जो मीडियम आप यूज़ करेंगे उसका डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट अपना स्पेसिफिक होगा, एन इज द विस्कोसिटी, अभी हमने ऊपर बात की कि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो ऑफर होती है विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट की वजह से होती है, तो यहाँ पे वो सारी वैल्यूज आ गई 8.20 × 10⁵ आवर डी टी 3/2 और आगे फिर आ गई इन्फिनिट डाइल्यूशन में और अंडर रूट सी, सी इज द कंसंट्रेशन जो भी आप ले रहे हो। ये फॉर्मूले की डेरिवेशन नहीं है आपके सिलेबस में, आपने सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रखना है कि दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन या आपके पास एक्सप्रेशन है विच कैन बी यूज टू कैलकुलेट द इक्वेलेंट कंडक्टेंस, या आप ये कह सकते हो वी कैन मेजर द कंडक्टेंस फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है आपके पास, उसमें वो कहता है अगर हम इतनी बड़ी इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हम कह देते हैं कि दिस इज द फैक्टर ए, ठीक है, ये जो पूरा फैक्टर है ना, ये पूरा फैक्टर, दिस फैक्टर इज ए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, ठीक है, और ये जो पूरा फैक्टर यहाँ लिखा हुआ है ना इसको मैं कह देती हूँ इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी, ठीक है। इस इक्वेशन को फिर थोड़ा सा अपने लिए हम सिंप्लीफाई कर लें तो हम क्या से कह सकते हैं, दिस इज 82.4 आवर डी टी हाफ इनटू विस्कोसिटी इज इक्वल टू ए एंड दिस वन इज बी, तो अगर इक्वेशन को हम छोटा करें तो आपकी इक्वेशन किस तरह से आ जाएगी, सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अगर आप वहीं तक भी छोड़ देंगे तो इट्स एनफ, यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस माइनस ए प्लस बी इन्फिनिट डिल्यूशन अंडर रूट सी, आपके पास थोड़ा सा फिर उसको हमने रीअरेंज किया है, रीअरेंज कैसे किया है, आपने इसकी ब्रैकेट को ओपन किया है हमने, ठीक है, ओपन भी कैसे कर रहे हैं, हम इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर रहे हैं कि ये आपके पास जो स्टार्ट में लिखी हुई थी चीज़ उसको हमने बाद में लिख दिया, फॉरवर्ड पर्पस ताकि हम इसमें से कॉमन निकाल सकें, किस चीज़ को निकाल सकेंगे हम कॉमन, ये जो आपके पास इक्वेलेंट कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डिल्यूशन है, इट्स अप टू यू, आप इसको इस तरह अरेंज करना चाहते हो तो हम इस तरह भी अरेंज कर सकते हैं, नहीं तो हम तो वहाँ भी इक्वेशन को छोड़ सकते हैं। आप देखो इन दोनों इक्वेशन में से क्या कॉमन निकल रहा है, आपके पास इक्वेलेंट कंडक्टेंस आ रही थी, उस इक्वेलेंट कंडक्टेंस को पहले लिखा ब्रैकेट में माइनस ए अंडर रूट सी माइनस बी अंडर रूट सी, अंडर रूट सी इसलिए बाहर आया था क्योंकि ये दोनों फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था,
ठीक है, आगे आपके पास कॉमन निकला तो क्वेश्चन सिंपल सी रहेगी, ए अंडर रूट सी माइनस बी अंडर रूट सी दैट वन। आप चाहो तो इसमें से सी को भी कॉमन निकाल सकते थे, आप इसे ओपन ना करो, तो पीछे क्या इक्वेशन रह जाती है, क्या इक्वेशन आ गई, इक्वेलेंट कंडीशंस ऑन द बेसिस, क्या है आपके पास ये इक्वेशन, व्हेन यू हैव इन्फिनिट डिल्यूशन माइनस दिस गामा। ठीक है, अब आप एक चीज़ का ख्याल रखना है यहाँ पे कि ये माइनस था, जब ब्रैकेट को हमने ओपन नहीं किया, यहाँ पे आपके पास साइन आना था प्लस का, यहाँ पे अपने पास अपना आप प्लस का साइन डाल लें, ठीक है, जब आप कॉमन ले रहे हो, क्योंकि हमारे पास एक मिनट, ये माइनस ए आ गया और ये सॉरी ये माइनस बी आएगा यहाँ पे, और जब आप फाइनल इक्वेशन लोगे उसमें ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम इस इक्वेशन में ये फैक्टर यहाँ पे माइन जो आपके पास आ रहा है, यहाँ पे गामा नॉट है, अगर आप चाहो तो उसे खोलो या ना खोलो, ये सिर्फ उन्होंने और करके इक्वेशंस दी हुई हैं और इसमें कुछ नहीं है, अगर आप चाहो तो यहीं से भी इस वैल्यू को यहाँ पे नेगेटिव में आप इसको उठा के इस तरफ ले जाओ, तो ये इक्वेशन में आपके पास आ जाएगा गामा माइनस गामा आई मीन्स जो कैप है आपके पास आ जाएगा, और ये माइनस वैसे ही साइन रह जाएंगे, और माइनस को अगर खोलेंगे तो इक्वेशन आपके पास ये वाली बन जाएगी। ठीक है, सेम वही इक्वेशन रहेगी, सिर्फ इस फोर इक्वेशन से आपको बना के दिखाई है फिफ्थ वाली। ठीक है, अब उसमें कहता है कि आपके पास ये जो इक्वेलेंट कंडक्टेंस इज फाउंड टू बी लेस देन दिस वन, यानी इक्वेलेंट कंडक्टेंस पे आपकी जो वैल्यू आंसर होता है वो मैक्सिमम आता है, तो जो इन्फिनिट डिल्यूशन है उससे हमेशा इसका आंसर कम होगा। ठीक है, ये क्यों आपके पास ऐसा होता है कि इन्फिनिट डिल्यूशन पे आंसर ज़्यादा आते हैं, बिकॉज ऑफ दिस टू फैक्टर्स, फर्स्ट टर्म जो ब्रैकेट की है वो रेफर करती है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट को, यानी कि जो ए फैक्टर है, और दूसरा फैक्टर जो है वो आपके पास क्या होता है, जो रिप्रेजेंट करता है आपके पास एसिमेट्रिक इफेक्ट या रिलैक्सेशन इफेक्ट को। ठीक है, तो ये इक्वेशन बेसिकली इस पे कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह तो नहीं हमें आते, लेकिन सिर्फ इस इक्वेशन की आपने सिर्फ याद के करनी है, सिर्फ ये इक्वेशन याद करनी है कि अगर एमसीक्यूज में आपको दे दिया जाए तो आपको पता होगा ये इक्वेशन किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है।